थाना शाहगंज के अंतर्गत केदारनगर कृष्णा मंदिर के पास हुआ एक बड़ा हादसा। न्यू ईयर के बहाने सनी नामक युवक को पार्टी करने के बहाने बुलाकर गला रेत कर जान से मारने की साजिश की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दीपक और जतीन फरार हो गए। घटना की खबर से परिवार में हड़कंप मचा हुआ। क्या मामला? मामला कुछ नहीं था, कल मेरे भाई के पास फोन आता है 8:30 बजे कि आप नए साल से मिल रहे हो और आप है ना आ जाओ, मैं आपको पार्टी कर। मेरे भाई को फोन करके कृष्ण मंदिर को बुला के दो लड़के थे जतिन भोलवानी और दीपक गंगलानी, उन्होंने एक ने गले पकड़ी है और उसने उसके गले पर चाकू मारा है, उसके वहीं छोड़कर वो आपको कैसे पता चला? मेरे पास उसके दोस्त, वो वहाँ से उठ के अपने दोस्त के पास गया कि मेरे साथ ऐसे हो गया है और मेरे पास बाद में फोन आया उसके दोस्त के पास, ऐसे ऐसे बात हो गई। हॉस्पिटल में फोन लेके आया, एडमिट कराया। कौन सी जगह थी? कृष्णा मंदिर। ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। आपने पुलिस को सूचना दी? सूचना दे दी, FIR करा दी है। आरोपी कुछ पता चली? आरोपी कहाँ के थे? आरोपी केदारनगर के हैं। आरोपी केदारनगर के हैं? दोनों आरोपी केदारनगर के हैं। मामला रात को 8:30 बजे लड़का मामा की दुकान पर जा रहा है, तो मामा जी कहाँ जा रहा है? अरे दोस्त का फोन आ रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा। तो हमने फोन आई तो भैया फोन आया कि तमाम लड़के को मार दिया, गए चाकू मार दिया, तो हमें मालूम पड़ी कि यहाँ पे आ गए। आरोपी कौन है? आरोपी पता नहीं, लड़के नहीं, नाम तो मालूम है। आपने पुलिस को सूचना दी थी? आपने FIR कराई पुलिस को? इनको मालूम नहीं। वो तो घर से 7:30 निकला है, खाना बना के रखना और मैं आ जाऊँगा जल्दी। फिर मेरे भाई के पास गया तो भाई ने कही बैठ, बारिश पड़ रही थी, नहीं मैं आज जोधपुर आ रहे हैं पार्टी है, मैं जा रहा हूँ। बोला बाहर नहीं जाए पार्टी है, आज बारिश पड़ी तो भीग जाएगा। फिर नहीं नहीं जोधपुर आ रहे हैं, मैं जल्दी जाऊँगा। और थोड़ी देर बाद फोन आया कि नहीं उन्होंने दोस्तों ने एक ने पकड़ा, एक ने चाकू मारा। अभी कैसी हालत आपकी? अब ICU में मुझे तो देखने, मैंने देखा ही नहीं है कल से, मैं अभी आई, मेरे को आने ही नहीं दे रही।